क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें जो गत लेक्चर था जिसमें आपको जो सारे चार पांच रूल लिखाए हुए थे उन पे आधारित बेस्ड क्वेश्चंस और हम कर लेते हैं प्रैक्टिस, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस 2y dy बराबर 0, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, इसी रूप में ये रखा हुआ है। और यहाँ पर डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर 2y और डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर 0, और इसकी कैलकुलेशन करते हैं। वन अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, एन की वैल्यू 2y, वन अपॉन 2y, और डेल एम अपॉन डेल वाई, इसको वाई के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो 2y आ गया, माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, एन के अंदर एक्स है ही नहीं तो 0, 2y से 2y कैंसिल, 1 आ गया। यानी ये जो अपने पास चीज़ आ रही है वो हमारे पास 1 आ गई, कांस्टेंट आ गई। और इक्वेशंस के अंदर डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स को हमने यहाँ वैल्यू रखी, तो ये सारा कांस्टेंट आ गया। और इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, यानी ये जो हमारे पास रूल 3 है, ये रूल 3 इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई हो गया है। तो इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रल के, ये के बन गया हमारे पास के डी एक्स, ठीक है ना, ये क्या आ गया अपने पास, कांस्टेंट आ गया। सो दिस इज़ के डी एक्स यानी ई की पावर एक्स। ये अब बड़ा आसान हो गया कि हम क्या करेंगे कि ई रेस टू एक्स जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इससे इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस 2y ई की पावर एक्स डी वाई बराबर 0। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देंगे, वाई स्क्वायर के साथ ई की पावर एक्स डी एक्स आ रहा है और 2y डी वाई के साथ ई रेस टू एक्स आ रहा है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाया कि वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमको मिलेगा 2y ई की पावर एक्स डी वाई प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, है ना। तो ये हमको जो राइट लगाएं, ये दोनों चीज़ हमको यहाँ मिल जाती है। इसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। तो ये जो बाकी बच रहे हैं यहाँ के अंदर, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स ये इधर आ रहा है, और ये जो अपने पास बचा 2x ई की पावर एक्स डी एक्स ये आ गया। तो इन राइट वालों को दोनों को साथ रखेंगे और बाकी बचे हुए वालों को साथ रख दिया, दोनों ब्रैकेट अलग अलग कर दिए। तो ये जो चीज़ आ रही है ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का, और इधर का जो चीज़ आ रही है इसका इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स, यानी ये वाली चीज़ का इधर आ रहा है अपने पास और इसका हमारे पास इधर आ रहा है। आप चाहें तो इसको यूँ भी कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स बराबर 0। अब जैसे इसको इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन इधर आ गया और इसका इंटीग्रेशन इधर आ गया। इंटीग्रेट करने पर ये हो गया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स बराबर कॉन्स्टेंट। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ई रेस टू एक्स दोनों में से कॉमन निकाल लिया। तो ये अपने पास रूल नंबर 3 पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया जो आसानी से सॉल्व हो गया। 3x प्लस 2y स्क्वायर इंटू वाई डी एक्स प्लस 2x इंटू 2x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बराबर 0। यहाँ पर इस y को अपन ने अंदर गुणा कर दिया और इधर से x कॉमन लिया, इधर से y स्क्वायर कॉमन लिया। तो ये जो चीज़ आ रही है ये अपने पास रूल नंबर 5 में फिट हो रही है, जिसमें x की पावर a y की पावर b इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स की पावर सी वाई की पावर डी, यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स की पावर 0 हो गई, ये डी हो गया, इंटू पी वाई डी एक्स, ये पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई, जो अपना रूल नंबर 5 था वो रूल नंबर 5 में फिट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे, माना एक्स की पावर एच वाई की पावर के, तो इसको हम गुणा कर देंगे।
इसको गुणा करते ये सारा अपने पास हर पद के अंदर इनको गुणा कर दिया अपन ने, यहीं पे कर दो ज़्यादा बढ़िया ठीक रहेगा ऊपर पहली लाइन में। अब ये चीज़ जो आ रही है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर ज़ीरो रूप में आ गई, क्योंकि एक्स एच वाई के से गुणा करते ही अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में बदल गई है, क्योंकि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा कर दिया। और जब ये इक्वेशन एग्जैक्ट है यानी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो एग्जैक्ट है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स होना चाहिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के जो हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर एन एग्जैक्ट इक्वेशन उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो एम वाले को वाई के सापेक्ष और एन वाले को एक्स के सापेक्ष, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके हमने यहाँ रख दिया, इसके साथ में आ जाएगा डी एक्स और डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसको इधर कर दिया। और जैसे ही डिफ्रेंशिएट किया और दोनों साइड से एक्स की पावर एच प्लस वन वाई की पावर के और वाई की पावर के प्लस टू एक्स एच इनके गुणांकों की तुलना कर लेते हैं, है ना। तो x की पावर h प्लस वन वाई के, ये x की पावर h प्लस वन वाई के साथ में आ रहा है थ्री इंटू के प्लस वन थ्री के प्लस थ्री, और इधर की तरफ भी वो की वही चीज़ लो, x की पावर h प्लस वन वाई के का गुणांक आ रहा है फोर इंटू एच प्लस टू तो फोर एच प्लस एट, एक तो ये आ गया। इसी तरह से ये वाली चीज़ लेंगे सो टू के प्लस सिक्स इज इक्वल टू सिक्स एच प्लस के, है ना। और इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। सॉल्व करते ही अपने पास में h बराबर वन के बराबर, यहाँ पे जो आ रहा है ना टू के प्लस सिक्स बराबर सिक्स एच प्लस पे, तो के वैल्यू चाहो तो k निकाल लो यहाँ से, k बराबर थ्री एच हो गया, और इस k बराबर थ्री एच को आप यहाँ रख दो तो इससे आपको h मिल जाएगा, तो ये h बराबर वन आ गया। सो h की वैल्यू वन आते ही वापस यहाँ रख दो तो k आ जाएगा, तो k बराबर थ्री और h बराबर वन। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर h y की पावर k, इसका मतलब x की पावर वन और y की पावर थ्री, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स वाई क्यूब आ गया। और जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया इसको हम इक्वेशन नंबर एक जो कि अपना ये सवाल है ना, इसको हम गुणा कर देंगे x की पावर h y की पावर, ये चाहो तो आप यहाँ रख दो h की वैल्यू चाहे यहाँ रख दो एक ही बात है, तो आई एफ से गुणा करते ही हमको ये चीज़ मिल गई। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि एक्स क्यूब वाई फोर को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये चीज़ आती है, और एक्स स्क्वायर वाई सिक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाली चीज़ आएगी। तो जैसे ही हमको ये पता लगा कि इन दोनों के डिफरेंशियल्स ये होते हैं और ये यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इसको इंटीग्रेट करते ही हमको डायरेक्ट मिल गया एक्स क्यूब वाई फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई सिक्स, क्योंकि ये जितनी भी टर्म्स है वो सारी की सारी यहाँ पर रखी हुई है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई फोर कॉमन, तो ये अपने पास बराबर सी। इस प्रकार से इक्वेशंस इजीली सॉल्व हो जाएगी, और इसी तरह अन्य रूल पे ऊपर भी आप सवाल कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम आए तो और हम देख लेंगे।